सभी साथियों को नमस्कार। एक और वीडियो आप सभी के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से एक और महाधमाका आप सभी के लिए हुआ है। जिन्होंने भी प्लस टू पास कर रखी है बच्चों ने, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा धमाका हुआ है। 1500 पोस्ट निकली है प्लस टू पास के लिए, जिस पोस्ट का नाम है CPLO। कुछ दिन पहले भी हरियाणा सरकार ने CPLO की पोस्ट निकाली थी, उनका एग्जाम लिया था और वो CPLO पोस्ट को बच्चों पे लगाया, उन बच्चों को लगाया गया था। अब दोबारा फिर कुछ कमियों को देखते हुए CPLO की पोस्ट दोबारा निकाली है, पूरी प्रॉपर 1500 पोस्ट। इससे पहले शहर के अंदर जो CPLO लगाए थे उनकी निकाली थी, वो लगाए थे। अभी दोबारा फिर गांव गांव के अंदर पोस्ट निकाली है CPLO की, हर गांव के अंदर एक बच्चा, मतलब की दोबारा फिर जो पोस्ट निकाली है वही गांव के अंदर एक पोस्ट हो गई है। टोटल 1500 पोस्ट निकाली है, पहले 6000 के करीब पोस्ट थी, अब 1500 निकाली है। उस गांव में नहीं लगे हैं CPLO, दोबारा अब CPLO की पोस्ट निकाली है। जिन्होंने भी CPLO की पोस्ट का फार्म भरना है, जल्दी से अपना फार्म भर ले। ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ फैमिली आईडी के आधार पर फार्म भरा जाएगा। एक कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पोस्ट का सारा काम कंप्यूटर के ऊपर है। ग्राम सचिवालय और सरपंच आपको काम देगा और आपको उनका काम करना है, उसके बाद प्लस में आपको फैमिली आईडी का काम करना है। जो फैमिली आईडी का जो भी काम होगा गांव के अंदर बिठाया जाएगा, गांव के जितने भी फैमिली आईडी का काम होगा करेक्शन करने, ठीक करने आपके हाथ में होगा सारा कुछ। तो सभी जल्दी से अपना फार्म भरें। और एक और इसके अंदर बात बता दूं आपको, इसमें लगभग आपको 6000 रुपए तो फिक्स सैलरी होती है इसके अंदर, प्लस आपका कमीशन होगा, लगभग आपको 14 से 15000 रुपए सैलरी इसमें मिलेगी। और इसका फार्म भरने के बाद इसके दो टायर होंगे, दो पेपर होंगे, दोनों पेपर में आपको पास करना पड़ेगा। अगर पहला पेपर पास करोगे आप सेकंड पेपर में जाओगे आप, अगर आपको पहला पेपर पास नहीं हुआ तो आप सेकंड पेपर में नहीं बैठ पाओगे। जब आपके दोनों पेपर पास होंगे और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तभी आपका इसके अंदर नंबर होगा। इसलिए जो पहला प्रोसीजर था CPLO का, सेम वही प्रोसीजर अभी भी है। पहले पोस्ट 6000 थी लेकिन अब पोस्ट 1500 पोस्ट है। तो जिसको भी CPLO का फार्म भरना है, जिसको भी CPLO बनना है, फैमिली आईडी का काम करना है, ग्राम सचिवालय का, सरपंच का काम करना है, वो जल्दी से अपना फार्म भरे। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।